जो मछली फंस गया है निकालने के बाद पता चलेगा जो कौन सा मछली फंसा है। दोस्तों लगता तो है जो चूना मछली फंस गया है, हम मछली को निकाल लेंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, सुनीता जी के किचन में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चलते हैं नदी की ओर मछली पकड़ने। यही गमला ले लेते हैं, यही गमला लेकर के चलते हैं। दोस्तों नदी किनार का पहुंच गए हैं, तो चलिए सरैला है तो सरैला ले लेते हैं। इसी सरैला में हम मछली पकड़ेंगे। दोस्तों सरैला ले लिए हैं मछली पकड़ने के लिए। बहुत सारा पानी बढ़ा हुआ है, बहुत मछली आ गया है, तो चलिए यही सरैला में हम लगा करके देखते हैं कौन सा मछली पकड़ाता है। जो मछली पकड़ाएगा उसी को रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए हम सरैला लगा करके देखते हैं जो कौन सा मछली पकड़ाता है। दोस्तों बहुत सारा पानी बढ़ा हुआ है, ज्यादा पानी में नहीं जाएंगे। तो सरैला हम लगा दिए हैं। ये डोरी जो है इसको हम बांस में लगा करके बांध देते हैं। अगर नहीं बांधेंगे तो मछली फंसेगा तो सरैला के लेकर के ही भाग जाएगा। तो चलिए हम डोरी के बांध दिए हैं। दोस्तों मछली फंसने के लिए हम पानी में सरैला के लगा दिए हैं, डोरी के हम खूंटा में बांध दिए हैं। तो एक दिन बाद होकर के आएंगे, देखेंगे सरैला में कौन सा मछली फंसेगा तो वही मछली को रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी किचन। तो कल हम सरैला लगा करके गए थे, एक दिन बाद आए हैं, देखते हैं कौन सा मछली फंसा है। तब मछली रखने वाला ये डब्बुक ले लिए हैं, तो चलते हैं देखते हैं कौन सा मछली फंसा है। दोस्तों तो चलिए हम डोरी खोल करके देखते हैं कौन सा मछली फंसा है। दोस्तों तो सरैला के हम उठा करके देखते हैं कौन सा मछली फंसा है। लगता तो है ओजन लगता है, बुझाता है जो मछली फंस गया है। निकालने के बाद पता चलेगा जो कौन सा मछली फंसा है। दोस्तों लगता तो है जो चूना मछली फंस गया है। ली दकड़ के हम मछली को निकाल लेंगे। दोस्तों मछली तो फंस जाता है, नहीं निकलता है। तो चलिए इसको हम हाथे से निकाल लेते हैं चूना मछली में। दोस्तों तो ये डब्बुक में कह के हम पानी ले आते हैं, उसके बाद मछली पे डालेंगे पानी में। तो सरैला में से हम चूना मछली निकाल लिए हैं। तो चलिए आज हम बनाएंगे चूना मछली की रेसिपी। तो चलिए लेकर के चलते अपनी किचन की ओर।
दोस्तों चोना मछली लेकर के हम किचन में पहुंच गए हैं, तो चलिए चोना मछली हम बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चोना के मूरा हम काट लिए हैं। दोस्तों चोना मछली के काट करके रेडी कर लिए हैं, तो चलिए पानी डाल करके हम बढ़िया से चोना मछली के धो लेते हैं। दोस्तों बढ़िया से हम चोना मछली के धो करके रेडी कर लिए हैं, तो चलिए निकाल करके हम थाली में रखते हैं। चोना मछली हम धो करके तैयारी किए हुए हैं, इसमें डालने के लिए हम पीला सरसों और लहसुन पेस्ट हम पत्थर पर तैयारी कर लेते हैं। दोस्तों लहसुन पेस्ट हम पीस करके तैयारी कर लिए हैं, तो उठा लेते हैं। तो चलिए लहसुन पेस्ट तो तैयारी कर लिए हैं, उसके बाद हम पीला सरसों पीस लेते हैं। दोस्तों सरसों पेस्ट हम पीस करके तैयारी कर लिए हैं, तो चलिए इसको हम उठा लेते हैं। चोना मछली के लिए हम लहसुन पेस्ट और सरसों पेस्ट पीस करके तैयारी कर लिए हैं, तो चलिए लहसुन पेस्ट हम मछली में डाल देते हैं, उसके बाद हल्दी डाल देते हैं, उसके बाद नमक डाल देते हैं। दोस्तों सभी डाल दिए हैं, तो चलिए इसको बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों हम सभी मिक्स कर लिए हैं, तो चलिए सबसे पहले हम चूल्हा धरा लेते हैं। दोस्तों चूल्हा जोड़ लिए हैं, तो चलिए हम कढ़ाई चढ़ाते हैं। दोस्तों कढ़ाई गर्म हो गया है, चलिए हम सरसों तेल डाल देते हैं। दोस्तों सरसों तेल गर्म हो गया है, तो चलिए इसमें हम चोना मछली फ्राई करते हैं। दोस्तों चोना मछली फ्राई कर लिए हैं, तो चलिए इसको हम थाली में निकाल लेते हैं। उसके बाद चलिए फिर से हम चोना मछली डाल देते हैं। ये चोना मछली बनाते हैं अपने देसी अंजाम में, बनाते हैं देसी तरीका से बनाते हैं। तो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मछली फ्राई कर ली है, तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। दोस्तों चोना मछली फ्राई कर ली है, तो चोना मछली में मसाला डालने के लिए मसाला ले लेते हैं। गोल मिर्च है, ये सरसों पेस्ट है, ये मिर्चाई गुंडी है, ये धनिया पाउडर है, ये हल्दी पाउडर है, लहसुन पेस्ट है। तो चलिए हम पानी डाल करके घोर लेते हैं। दोस्तों मसाला घोर करके तैयारी कर लिए हैं, तो मसाला फ्राई करने के लिए हम चलिए फौरन तैयारी करते हैं। दोस्तों फौरन तैयारी हो गया है, तो चलिए हम मसाला डाल देते हैं। दोस्तों मसाला डाल दिए हैं, उसके बाद चलिए स्वाद अनुसार हम नमक डाल देते हैं। चलिए इसको बढ़िया से चला देते हैं। दोस्तों मसाला बढ़िया से फ्राई हो गया है, बहुत ही खुशबू आ रहा है। चलिए हम पानी डाल देते हैं। मसाला पक करके रेडी हो गया है, तो चलिए इसमें हम मछली फ्राई डाल देते हैं। दोस्तों मछली बन करके तैयारी हो गया है, तो चलिए उतार करके हम नीचे रखते हैं। दोस्तों मछली बना करके तैयारी कर लिए हैं, तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।